जिना कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो एक म्यूजिक का प्रोग्राम किया, और फिर उस प्रोग्राम में हमारे वजीर आजम ने शेरवानी पहन के क्या तकरीर की वो भी बताता हूं मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं, वो तो ये कहते कि मुजरे कराता फिर रही। तो मेरा मकसद है कि कौम के लिए तुम्हारे सारे कवानीन है, सारा कुछ है, खुद आप बैठ के तुम बच्ची लड़कियों के डांस देख रहे हो 14 अगस्त को, वो चलो ठीक है अपने घर में करा लो डांस, तुम्हें शौक है तो, ये कौम का करोड़ों रुपया क्यों तुमने जाया किया। हमारे मुल्क के अंदर महवर ये रहता है पूरा दिन सियासी डिस्को डांस करते रहो, कभी किसी सियासी जमात को गालियां दो, कभी किसी सियासी जमात को गालियां दो। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 75 रुपए का नया नोट निकाला है जो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि 75 साल गुजर चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। पिछली हुकूमत ने सियासी नक्शा जारी करके ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि पता नहीं हिमालय फतह कर लिया, भाईजान वहीं के वहीं हम खड़े हुए हैं, कहीं हम आगे नहीं बढ़े। ना ही पाकिस्तान को भीख मिल रही है, ना ही पाकिस्तान के अपने खर्चे पूरे हो पा रहे हैं, ना ही जो पाकिस्तान के अपने पक्के वाले दोस्त हैं वही उसकी ढंग से मदद कर रहे हैं। और जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, अभी तकरीबन 1.5 महीने पहले उसने 7 करोड़ का स्विमिंग पूल बनवा डाला प्रधानमंत्री आवास में पाकिस्तान के, और अब जो है वो 14 अगस्त पर, खैर सही भी है वो भी बंदा गलत नहीं, क्योंकि जिसमें 14 अगस्त पे उसका देश में कुछ ऐसा खास तो अचीवमेंट तो किया नहीं पाकिस्तान में। जब हम हिंदुस्तान से आज़ादी की बात देखें तो उसने क्या किया है इस पूरी पाकिस्तानी कौम ने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर झगड़ा करना, यहाँ पर देश को तोड़ना, यहाँ पर फूट डालना। इसके अलावा कोई भी हम देखें तो 47 के पहले का इतिहास तो नहीं, कोई अंग्रेज़ों से जंग में इतिहास, अंग्रेजों को भगाने में इतिहास हम देखें तो मिलता नहीं, सिर्फ इतना ही पार्ट मिलता है। तो उसी बात का जश्न तो मनेगा ना, तो वही जश्न मन रहा है, कौम इनकी बेवकूफ, कौम इनकी झेल रही है, और उनका जो प्रधानमंत्री बढ़िया मुजरा डांस नाच गाना शराबे बिरगी डांस बिक्री डांस सब चल रहा है। 3 अगस्त पे ज्यादतियां कई हुई दोनों साइडों से, मैं समझता हूँ अभी तक हम मेच्योर नहीं हो सके प्रॉपर तरीके से, अभी तक हम लोगों को समझा नहीं सके आजादी क्या है या कौमियत क्या चीज है। बिलखसूस दो चीजें मैं जिस पे तवज्जो देना चाहूंगा, एक तो आपके हालात इतने सख्त खराब हैं, गुर्बत के, इन्फ्लेशन के, महंगाई के हालात आपके इतने सख्त खराब हैं, और इन हालात के अंदर हुकूमत जो है वो भी गलतियां कर रही है मुसलसल, बल्कि ज्यादतियां कर रही है। इन्होंने पाकिस्तानी सबके लिए लाइटें बंद कर दो 10 बजे, दूसरे सब पाकिस्तानियों को वन डिश पार्टी है, और खुद वहां पर यार क्या क्या तुम ये नाच गाने का बंदोबस्त कर रहे हो। मैं तो वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता जो लोग इसके बारे में कह रहे हैं, वो तो ये कहते कि मुजरे कराता फिर रही, और वो कौम है जो जिसके हालात इतने खराब है फाइनेंशियली कि मैं आपको रोजाना कहता हूं कि वहां पे 3 वक्त 2 वक्त का खाना लग्जरी है। वहां पे इस बंदे से पूछे, किसी से पूछे, ये जो सारे लूटने वाले हैं, और जिसकी 25-30 हजार रुपया तनख्वाह एक मजदूर की या किसी वर्कर की, उसका उसका बजट तो बनाओ, शर्म नहीं आती। मैं इतना दुख हुआ है सारी चीजें देख कर, और फिर क्या बच्चा गालियां निकाल रहा है अपने जजों को, हमारे जर्नलों को, क्या मेरा बस क्या, कहां कहां लूट नहीं हो रही मुझे ये। और सर ऐसे में रिश्वत के रेट तो डबल हो चुके हैं, और ये करप्शन, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो या इनसे पिछले वजीर आजम इमरान खान साहब हो, उन्होंने ये रियलाइज किया कि मौसमियाती तब्दीली हो रही। पाकिस्तान क्यों अहम है मौसमियाती तब्दीली के लिए, मुख्तसरन आपको बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर दूसरी बुलंद तरीन चोटी मौजूद है K2, काराकोरम रेंज पाकिस्तान में आती है, और इसके साथ साथ बहुत सारी माउंटेन रेंजेस जो हैं, सुलेमान माउंटेन रेंज हो, कीथर माउंटेन रेंज हो, या दीगर और माउंटेन रेंजेस हों, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। साथ ही साथ अहम चीज़ ये भी है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को भी इस बारे में मैं कहूँगा कि इल्म भी है, और उन्होंने ख़ास तौर पर इसकी आगाही पैदा करने के लिए क्लाइमेट चेंज के मौजू को एक महवर बनाया है। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीलियाँ पेश आ रही हैं, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी की वजह से, दरख्त काटने की वजह से, मैसिव अर्बनाइजेशन की वजह से पाकिस्तान की जो माहौलियाती निज़ाम है इसको हमने तबाह कर दिया है। हमारे आप रंग रंग के तरह तरह के आपको मिली नगमे मिलेंगे, कहीं फ़ाखिर इस पर डांस कर रहा है, कहीं कोई उस पर डांस कर रहा है, कभी कोई किसी पे डांस कर रहा है, ये वतन हमारा है, ये तुम्हारा है, फलां का है, ये है वो है, सारी बातें कर ली, तरक्की नहीं हो रही। अब कुरंगी का मैं आपसे जिक्र करता हूँ सर, कुरंगी का स्वे हर साल डूबता है। सबसे बड़ा सनती इलाका ये कहलाता है, लोग कहते हैं पाकिस्तान का, कुछ लोग कहते हैं कराची का। तो मुझे ये बताएं सर, आप मिली नगमे 4 एक साल में कम बना लें,
आप ये करें सर, ये कॉस्टवे की जगह पुल बना दें मुझे प्लीज, मेरी आपसे दरखास्त है सर, आप सीएम साहब से कहें। जी दोस्तों, कि हमारी डायरेक्शन वाकई बहुत गलत है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है, और हमारी जो पूरा एक हमारा फोकस है वो होना चाहिए कि इकोनॉमिक इमरजेंसी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। तो अगर वो इस मुल्क के हिस्से नहीं है तो मुस्तकबिल के अंदर अपने मुल्क का हिस्सा बनाने में भी कोई खराबी नहीं है, क्योंकि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का क्याम जब हुआ तब पाकिस्तान का रकबा ज्यादा था, अब वो सुकड़ गया है, छोटा हो गया है। पिछली हुकूमत ने सियासी नक्शा जारी करके ऐसा तासुर देने की कोशिश की कि पता नहीं हिमालय फतह कर लिया, भाईजान वहीं के वहीं हम खड़े हुए हैं, कहीं हम आगे नहीं बढ़े। कि किस तरीके से अपने मुल्क की इकोनॉमिक हालात को सुधारना है, आप अपने मुल्क के इकोनॉमिक हालात नहीं सुधारें, कोई कंट्री आपको इज्जत नहीं देगी। आप उसको दोस्त ममालिक कहें, आप उसको ब्रदराना ममालिक कहें, कोई भी कहें, आजकल अगर आपके साथ किसी के रिलेशन होते हैं तो वो बेसिस ऑफ योर स्टैंडिंग होते हैं कि आपकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग कैसी है, वरना आपको वही फेस करना पड़ता है जो आप देख रहे हैं कि और कंट्रीज भी आपसे अच्छी तरह मिलती हैं, दो सलाम करती हैं, उसके बाद फिर आपको कह देती हैं कि चलते बनो, क्योंकि आजकल कुछ सियासी जमातों और सियासी लोगों का भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट भी पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ है ना, अचानक वॉलपेपर भी बदल जाता है, सॉफ्टवेयर भी बदल जाता है, एप्लीकेशन भी नई लग जाती हैं, है ना, और थोड़ा वक्त भी लगता है फिर दोबारा से अपनी असल शक्ल में आने में। किचन कॉस्ट बढ़ चुकी है, आपकी लॉजिस्टिक्स बढ़ गई, आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ गई, आपका क्लाइंट आपके क्या उस तरीके से पैसे बढ़ाने को तैयार है? अगर नहीं तो मैं बहुत, मुझे फेयर है कि आपकी इंडस्ट्री एक मैसिव स्केल पे शटडाउन के ऊपर जाएगी। ये है, और जो मुल्क दुनिया में तरक्की नहीं कर रहे होते ना, उनकी मिली नगमों की तादाद ज्यादा होती है, ये है मसला। जहाँ वो बैठा हुआ था ना आदमी, जो मीडिया के अंदर ऐसे लोगों को उकसा रहा था कि कहो कहो इदारों के खिलाफ बातें करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस बंदे को हटा दिया, उसकी जगह बदल दी। टेक्निकल बेटा, तुम लोगों को पता ही नहीं है, अभी ये जो शाम के एंकर बैठे आपस में रेसलिंग मैच करते रहते हैं ना, इनको इस वजह से इसका कुछ नहीं पता, जिनकी वजह से महकमा मौसमियात के रिपोर्टरों की तरह उनको नहीं पता कि मौसम का हाल क्या होगा, इसी तरह उनको नहीं पता कि सियासत का क्या हाल है। हम बात करते हैं कि हमें ये अगर हो जाता है डील तो हमें $2-3 बिलियन यहाँ से मिल जाएंगे, उसके बाद फिर हमारे दोस्त ममालिक $4-5 बिलियन हमें दे देंगे। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि मतलब इतनी 22-25 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है, वो $1-4 बिलियन के लिए इस तरह से अपनी पूरे मुल्क को गिरवी रखवाने के ऊपर तैयार हो चुके, ये हमारे लिए एक बड़ी शर्मनाक बात है। हमें कोई बहुत सीरियस इसके ऊपर बैठ के पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो एक डेवलप्ड कंट्री है, लेकिन हम ये कैसे, जो राष्ट्र बना ही सिर्फ और सिर्फ चोरी चकारी लूट मार, और इंडिया में रहेंगे तो इंडिया में तो काम करना पड़ेगा, इंडिया की जो बहुसंख्यक आबादी है वो तो सवाल पूछेगी कि भाई तुम क्या काम कर रहे हो, अगर तुम नेता हो, तुम फलां फलां चीज़ के मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, अलग अलग किसी विभाग के मंत्री हो, आपकी पार्टी चल रही, इतनी इतनी सीटें आप जीत के आए हो, सरकार का हिस्सा हो, तो पब्लिक सवाल पूछेगी कि क्या किया है आपने, आप क्या करोगे, आपका जो है वो मैनिफेस्टो क्या है, क्या हमारे जीवन में बेहतरी लेकर के आओगे, या फिर 5-10 साल बाद पब्लिक पूछेगी क्या रिपोर्ट कार्ड था हमको बताओ। उससे बढ़िया है एक अलग देश बना लो रिलीजन के नाम पर पे, और फिर वहाँ पे जो है 70-75 साल तक पब्लिक को यही चूना लगाते रहना, कोई काम करने की जरूरत नहीं होगी। इस सोच पे जो देश बनेगा उसके नेताओं में राष्ट्रभक्ति कैसे हो सकती है, कोई इस चीज़ का जवाब दे दे। और उसके बाद भी आप देखो जैसे और भी कंट्रीज़ हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, अगर हम देख लें श्रीलंका किस तरीके से बर्बाद हो गया, श्रीलंका में उस एक परिवार को आप छोड़ दो जो पूरा परिवार ने कब्जा कर रखा था सरकार पर, उसके अलावा बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस हों, या फिर पॉलिटिशियंस को भी हम छोड़ दें, तो बाकी जो पब्लिक थी श्रीलंका की आज भी, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी कि भाई क्या होगा श्रीलंका का, हमारा क्या बनेगा, हमको क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमको करना चाहिए। तो पब्लिक के अंदर एक रहता है कि नहीं भाई मुझको कुछ इस हालत को सुधारना है। बांग्लादेश में भी आज देखो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक के मन में कम से कम उतना ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छे खासे लेवल पर है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है कि हमको इस चीज़ से निकलना है, जो आज धीरे धीरे हालत ख़राब होती चली जा रही है बांग्लादेश की, और भी दुनिया भर में कंट्रीज़ हैं जिनकी हालत ख़राब होती जा रही है, उनकी पब्लिक के अंदर ये है कि हमको सुधार करना है। इसमें पाकिस्तानियों में कोई वो नहीं है, पाकिस्तानियों को अभी भी इसी बात पर जो है वो सपने चल रहे हैं कि हम ये दिल्ली कल को फतेह कर लेंगे, कल को हम कश्मीर पे अपना झंडा गाड़ेंगे, कल को हम ये करेंगे, कल को हम वो करेंगे, और बस
जैसे ही इमरान खान आएगा, जैसे ही इमरान खान पीएम बनेगा, पीएम पद की शपथ लेगा या जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है, वो उसके बाद से ही पाकिस्तान दुनिया का नंबर वन देश बन जाएगा। और तभी अमेरिका को जो है खुलेआम धमकी चली जाएगी, इंडिया को किनारा लगा देंगे, सब किनारा हो जाएगा। इमरान खान के आने भर की देर है और पाकिस्तान जो है एकदम बुलेट ट्रेन की स्पीड से तरक्की करेगा और नंबर वन बन जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता।